प्रतियोगिता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं 3 सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द 14th एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्किल समिट स्टार्टेड रिसेंटली? तो ये दिल्ली में जो है इसका 14वां संस्करण जो है वो दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया? हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2023 बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो ये जो है वो किया गया है आयरलैंड की अर्लिन केली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों को जो है इसके लिए नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों ही। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल मिश्रा का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? रिसेंटली अखिल मिश्रा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67, हु वर दे? तो वो एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बीस का सही आंसर है, अभिनेता। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुसात के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर नए समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है? आफ्टर होम हैज रिसर्चर्स एट कुसात रिसेंटली नेम्ड अ न्यू मरीन टार्डिग्रेड स्पेसीज। तो कुसात के शोधकर्ताओं ने जो है वो APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जो है नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल करने के लिए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? आफ्टर होम हैज रिसर्चर्स एट कुसात रिसेंटली नेम्ड अ न्यू मार्गिन सॉरी ये इंग्लिश में थोड़ा गलत टाइप हो चुका है। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल करने के लिए हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो हांगकांग को जो है वो पीछे छोड़ा है सिंगापुर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की स्वाति नायक 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त करेंगी? रिसेंटली स्वाति नायक ऑफ विच स्टेट विल रिसीव द 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड? तो स्वाति नायक जो है वो ओडिशा से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय उत्सव नदी उत्सव शुरू हुआ है? रिसेंटली एट विच प्लेस द 3-डे फेस्टिवल नदी उत्सव हैज स्टार्टेड फ्रॉम 22nd टू 24th सितंबर? तो ये शुरू हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 3 दिवसीय उत्सव है ये नदी उत्सव जो दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत खिलाड़ियों को सम्मानित किया? हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड द प्लेयर्स अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अवार्ड वेलफेयर फंड? तो इसके लिए जो है अनुराग ठाकुर जो है हमारे खेल मंत्री, उन्होंने जो है राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत जो है खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो राइनो डे जो है वो मनाया जाता है 22 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है,
22 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय सिम्बैक्स 23 युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। रिसेंटली द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड द बिलेटरल सिम्बैक्स 23 एक्सरसाइज। तो ये शुरू किया है, इसकी शुरुआत जो है वो की गई है सिंगापुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली स्टैच्यू ऑफ वननेस परियोजना के तहत राज्य के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर के आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। रिसेंटली मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनवेल्ड द 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य एट ओमकारेश्वर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट अंडर द स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट कॉस्टिंग हाउ मैनी करोड़ ऑफ रुपीज। तो ये जो है कुल 2141 करोड़ रुपए जो है इसमें इसकी लागत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 2141 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया, वे कौन थी। रिसेंटली डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन पास्ट अवे, हु वाज शी। तो वो एक भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी वो। अगला प्रश्न है, हाल ही में थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट व भारतीय थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। What position does India rank in the Global Economic Freedom Index recently released by the think tank Fraser Institute and the Indian think tank Center for Civil Society? तो इसमें जो है भारत 87th position पे है। Option number C इसका सही answer है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में पेट संबंधी बीमारी और आपसी लड़ाई के कारण 16 हिरणों की मौत हो गई है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। रिसेंटली 16 डियर हैव डाइड ड्यू टू स्टमक रिलेटेड डिजीज एंड विचुअल फाइटिंग इन बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। वेयर इज बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड। तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल पीस डे 2023। तो इसकी जो थीम है वो है एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जगदीश शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक स्वतंत्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विमोचन किया है। तो जगदीश शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विमोचन किया है श्री प्रताप शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उप मुख्यमंत्री मुकेश, ये जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ की ओर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की है। रिसेंटली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री हैज प्रोवाइडेड हाउ मेनी लाख रुपीज ऑफ द हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एग्रीकल्चर सर्विसेज कॉरपोरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। तो इसके लिए इन्होंने 16.73 लाख रुपए जो है 16.73 लाख रुपए जो है की राशि जो है इन्होंने प्रदान की है मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता संसार देवी ने आपदा राहत कोष में कितने हजार रुपए का योगदान दिया है।
रिसेंटली इन द टाइम ऑफ क्रिसिस अराइजिंग ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर इन द स्टेट. चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू's मदर संसार देवी हैज़ कंट्रीब्यूटेड हाउ मेनी 1,000 rupees इन द डिजास्टर रिलीफ फंड. तो इसके लिए उन्होंने 50,000 rupees की राशि का योगदान दिया है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है. तो ये थे 23 सितंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.